तो फ्रेंड्स चलिए आपको बताते हैं कि जो 1 से लेकर 100 तक के बीच की जो डिजिट्स हैं उनका स्क्वायर 2 सेकंड्स में कैसे निकालें। तो उसके लिए हमने पहले सारी डिजिट्स को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, ठीक है। पहले पार्ट में हमने सिर्फ 100 को लिया है क्योंकि इसके लिए हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जो इसका स्क्वायर होता है वो होता है 10,000, ठीक है। इसके लिए हमें किसी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। जो फोर्थ ग्रुप है 1 से लेकर 9, इसको आपको मेमोराइज करना है, मतलब जो स्क्वायर्स हैं उनको आपको याद रखना है, ठीक है। तो इसके लिए भी हमें किसी भी ट्रिक की ज़रूरत नहीं है। आपको 1 से लेकर 9 तक की जो डिजिट्स हैं उनको आप याद कर लें उनका स्क्वायर्स, ठीक है। तो चलिए हमारे पास बचते हैं ये 2 ग्रुप्स। तो सबसे पहले हम इस ग्रुप की बात करेंगे, उसके बाद इस ग्रुप की, ठीक है। तो पहले हम ग्रुप 2 से स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स हमने लिया है सेकंड ग्रुप, इसमें 32 से लेकर 99 तक की डिजिट्स हैं। तो मैं आपको बता दूं कि जो इनका स्क्वायर रहता है वो 4 डिजिट का रहता है, ठीक है, उसमें 4 डिजिट्स रहते हैं। तो आइए इसकी बताते हैं कि इसकी ट्रिक क्या है। तो सपोज हमें 32 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले हम ये 4 ऐसे लाइन बना लेंगे, ठीक है। 2 का स्क्वायर 4, हमें हमेशा 04 लिखना है, ठीक है। जिन डिजिट्स का स्क्वायर 1 डिजिट का है उसके सामने हमें 0 लिखना है। 3 का स्क्वायर 909। अब इन तीनों का मल्टीप्लाई कर देना है, तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12। और जो लास्ट की डिजिट है उसको छोड़कर हमें लिख लेना है, तो 12, इसको हमें ऐड कर लेंगे तो 4201, ठीक है। तो ये हमारा स्क्वायर आ गया 32 का। इसमें मुझे इसलिए टाइम लगा क्योंकि मैंने आपको समझाया है। आइए एक दो एग्जांपल्स और लेते हैं, इससे आपको बहुत क्लियर हो जाएगा। ये एक और क्वेश्चन लेते हैं, 97 का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर 49, 9 का स्क्वायर 81, और इन तीनों का मल्टीप्लाई, तो 9 × 7 = 63, 63 × 2 = 126, वो यहाँ जाएगा, तो 9, 10, 4, 9, ये इसका स्क्वायर हो गया। तो देखा फ्रेंड्स आपने, इस ट्रिक से स्क्वायर निकालना कितना इजी हो गया है। मैं एक दो एग्जांपल्स और ले रहा हूँ। 69 का स्क्वायर ये मैंने लिया है, तो वही 9 का स्क्वायर 81, 6 का स्क्वायर 36, ठीक है। तीनों का मल्टीप्लाई, तो 9 × 6 कितना होता है 54 × 2 = 108, 108 यहाँ आ जाएगा क्योंकि हम लास्ट की डिजिट को छोड़ देते हैं। ऐड कर लो 1, 886, 617 एंड 4, यही इसका स्क्वायर है। तो फ्रेंड्स देखा कि इस ट्रिक का यूज करके हम स्क्वायर्स कितनी जल्दी से निकाल सकते हैं। मैं एक लास्ट एग्जांपल ले रहा हूँ, 99 का स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर 81, 9 का स्क्वायर 81, इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है, तो 9 × 9 = 81 × 2 = 162, वो आ जाएगा यहाँ पर, इसको ऐड कर लो 1, 820, 617 और 1, 8, 8, 1, 9, ये आ गया हमारा 99 का स्क्वायर। तो फ्रेंड्स ये थी ट्रिक जो आपको यूज करनी है और आपको याद रखनी है। और आप 32 से लेकर 99 के बीच में किसी का भी स्क्वायर निकाल सकते हो सिर्फ 2 स्टेप्स में, ठीक है। तो फ्रेंड्स आते हैं थर्ड ग्रुप पर, इसमें 10 से लेकर 31 के बीच की डिजिट्स हैं। या तो आप इनको मेमोराइज कर सकते हो या आप इस ट्रिक को यूज कर सकते हो। ये जो ट्रिक है आप इसको भी यूज कर सकते हो, ठीक है। चलिए बताता हूँ कैसे यूज करना है इस ट्रिक को। तो फ्रेंड्स इस ट्रिक का हम यूज करते हैं और निकालते हैं। तो सपोज आपको 31 का निकालना है स्क्वायर, तो इसका मतलब है कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 1 × 1 = 1, इसका मतलब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो 3 × 1 = 3 और 3 × 1 = 3, इन दोनों को ऐड कर देना है 6
तो यहाँ 6 आ जाएगा, और इसका मतलब कि इनका मल्टीप्लिकेशन, तो 3 × 3 9, तो ये हो गया आपका स्क्वायर। ठीक है, मैं और क्वेश्चंस ले रहा हूँ। सपोज आपको 26 का निकालना है, तो 6 × 6 × 36 हो गया, तो उसका 6 आ गया, 3 हमारा लेफ्ट है। क्रॉस मल्टीप्लाई 6 × 2 = 12, 6 × 2 = 12, 12 × 12 = 24 और 3 = 27, तो 7 आ गया, 2 हमारा बच गया। अब 2 × 2 = 4, 4 + 2 = 6, तो 6 आ गया। ठीक है, तो आप ये हमारा स्क्वायर हो गया 26 का। मैं एक लास्ट एग्जांपल और ले रहा हूँ। अगर आपको सपोज 18 का निकालना है, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई 64, उसका 4 आ गया, 6 हमारा बच गया। क्रॉस मल्टीप्लाई 8 × 1 = 8, और 8 × 1 = 8, तो टोटल हो गया 16 + 6 = 22, तो उसका 2 आ गया, शेष कितना बचा 2, और इसका मल्टीप्लाई तो 1 और 2 = 3, तो 324, 18 का स्क्वायर हो गया। तो फ्रेंड्स, देखा जो मैंने आपको ट्रिक्स बताए हैं कितने इजी हैं, और आप कितनी आसानी से स्क्वायर्स निकाल सकते हो 1 से लेकर 100 की डिजिट्स का। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।